बीच एक और बड़ी खबर, बागी कांग्रेस नेता इमरती देवी का बयान कमलनाथ पर। इमरती देवी के गंभीर आरोप, गंभीर इल्जाम लगाए हैं। विधायक ना टूटे इसलिए देते थे 5 लाख रुपए, जो मंत्री ना बने उनको देते थे 5 लाख रुपए, हर महीना 5 लाख रुपया दिया जाता था। ये बागी कांग्रेसी नेता है इमरती देवी, जिनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ना टूटे इसके लिए 5 लाख रुपए दिए जाते थे। इमरती देवी की ओर से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर खरीद फरोख्त का मुद्दा गर्मा गया है। मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा क्षेत्र से महिला एवं बाल विकास मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरती देवी ने बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है। इमरती देवी ने कमलनाथ पर हमला करते हुए पूछा है कि वे बताएं कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उन्हें वे हर महीने 5 लाख रुपए क्यों देते थे। सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख काय के देते थे। अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची इमरती देवी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखी। इमरती देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक टूटे ना, लिहाजा कमलनाथ उन विधायकों को हर महीने 5 लाख रुपए देते थे। खुद सबूत है, मेरे साथ जितने विधायक आए हैं पूरे आपको भी बता सकते हैं कि कमलनाथ ये लगती थी उन्हें कि हमारी सरकार न चली जाए, इन्हें बांध के रखो। बहरहाल इमरती देवी के इस आरोप ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ को बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।